कि हे मानव, तुम जाति पाति के मजहब में आपस में क्यों तुम लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हो? जाति पाति से ऊपर उठ करके परमात्मा का चिंतन करो, उनके स्वरूपों को चिंतन मनन करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। जब तक तुम जाति पाति में लगे रहोगे, तुम्हारा कल्याण असंभव है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों से कहा कि भाई रे, दो जगदीश कहां ते आया, कहू कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। सदगुरु कबीर ने कहा, हिंदू जिसको राम कहता है, जिसको वह पूरब में खोजता है, मुसलमान जिसको अल्लाह कहता है, वह पश्चिम मस्जिद में खोजता है, तो क्या उत्तर और दक्षिण खाली है? इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, उत्तर की दक्षिण, पूरब की पश्चिम, स्वर्ग पताल की माही, बिना गोपाल ठौर नहीं कतहू, नरक जात धोकाही। हे प्रिय श्रोताओं, सदगुरु कबीर ने कहा, परमात्मा सिर्फ मंदिर में ही नहीं रहता, परमात्मा सभी जगह जर्रे जर्रे में। मुसलमानों ने कहा कि खुदा जर्रे जर्रे में है, सनातन धर्मियों ने कहा कि परमात्मा कण कण में है, हिंदू ने कहा कि भगवान मंदिर में रहता है, तो मुसलमान कहा कि भगवान खुदा जो है मस्जिद में रहता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, एक मंदिर में खोजने लगा परमात्मा को, तो दूसरा मस्जिद में खोजने लगा, तीसरा जो है पत्थर पानी में खोजने लगा, परमात्मा को सीमित कर दिया मंदिर मस्जिद। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ करके प्रत्येक जीवों के अंदर परमात्मा का जब तक हम लोग नहीं देखेंगे, तब तक मनुष्य का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको परमात्मा का वास सभी जीवों में, सभी प्राणियों में, 9 लाख जल के जीव बखाना, 14 लाख पक्षी परमाना, कीरम कोट 27 लाखा, 30 लाख स्थावर भाखा, चतुर लक्ष मानव तन कहिए, अमानव तन परम पद लहिए, 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्ञानी, सबसे ध्यानी इस मानव को बताया। इसलिए मानव वही है जिसके पास मानवता हो। देखने में तो सब लोग मनुष्य जैसा लगता है, लेकिन मनुष्य के पास जब तक मानवता नहीं आएगी, तब तक उसका विकास रुक जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि भाई रे, दो जगदीश कहां ते आया, कहू कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक पे गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापे, एक निवाजे पूजा। वही महादेव, वही मुहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरक कहावे, एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतवा,
वे माला ना पारे आ बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भारे। कहे कबीर वे दोनों भूले राम की नहु न जाना एक हंसी वे गाय कटावे बाद जन्म गमाया। मुसलमान एक महीना का रोजा रहता है प्रत्येक दिन दिन भर जल तक नहीं ग्रहण करता। अन्न की बात तो कौन कहे लेकिन शाम होते ही रोजा खोलता है और गाय को हिंसा करता है। विचार करने की बात है बंधुओं, वह कैसा रोजा दिन भर उपवास रहे अन्न जल न ग्रहण करें और साँझ में मुर्गी को मारता है, शाम में गाय को मार करके मांस खाता है, यह कैसा रोजा। सदगुरु कबीर ने हिंदुओं को कहा, सनातन धर्मियों को कहा कि ये सनातन धर्मियों तुम 10 दिन तक फलाहार करते हो लेकिन तुम जो हैं फिर जो हैं देवी देवता के नाम पर बकरी काटते हो। यह तुम्हारी कैसी देवी है जो मरा हुआ जीव को लेता है। इसलिए कहा कि हे सनातन धर्मियों, आज तक कोई मूर्ति कोई जो है कभी भी नहीं बोली कि हमको जो है तुम बकरा या भेड़ या बकरी चढ़ाओ। लेकिन हे श्रोताओं, यह मानव जो कहलाता है वह देवी और देवता के नाम पर, देवी और देवता के नाम पर, दुर्गा जी के नाम पर वह जीवों को हिंसा करता है। जीव मत मारो बापुरा सबका एक एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी है कोट ही राधे दान।